ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के बाजार में कई दिनों में जंगल में आग लगी हुई थी, लेकिन आज ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई और एक घर पूरी तरह से आग में गिर गया। घर के भीतर एक अकेली महिला थी। लोग घर के बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। महिला ने हिम्मत जुटाकर अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। इस दौरान महिला करीबन 20% तक झुलस गई। दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची, तब तक आग स्थानीय लोगों की मदद से बुझाई जा चुकी थी। सोलन के बसाल में कई दिनों से जंगल में आग लगी है, लेकिन आज ये आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। एक घर पूरी तरह आग में घिर गया था। घर के भीतर एक अकेली महिला थी। लोग घर के बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। ऐसे में एक दिलेर व्यक्ति विवेक ने घर तक जाने का प्रयास किया, लेकिन वे कुछ ही दूरी तक जा सका और सांस घुटने से वो भी बेहोश हो गया। लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ उस व्यक्ति को बाहर निकाला। इतने में घर के अंदर धुआं बढ़ता जा रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो चला था। इसलिए महिला ने खुद हिम्मत जुटाकर अपने कुत्ते के साथ घर से बाहर निकली और जान बचाती हुई वे आग को लांघते हुए सड़क पर आ गई। इस दौरान महिला करीब 20% तक झुलस गई है। दमकल विभाग की गाड़ी 2 घंटे लेट पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई जा चुकी थी। रोष व्यक्त करते हुए महिला ने बताया कि दमकल विभाग 2 घंटे देरी से पहुंचा, तब तक आग अपना तांडव दिखा चुकी थी और वे आग से बुरी तरह झुलस चुकी थी। उन्होंने मांग की कि जो भी व्यक्ति जंगलों में आग लगाता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी नौबतें ना आएं। मैं अकेली थी, मैं गई हुई थी। मैं जैसे ही आई और यहाँ पे बहुत सारा धुआं हुआ हुआ था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या हुआ। मैंने जैसे ही गेट खोला तो सारे पूरे ये पेड़ों में आग लगी हुई थी। उस टाइम बहुत बुरी तरीके से, मेरा ऊपर टाइगर था, डॉगी था, मैंने उसको पकड़ा और उसको लाई। मैंने बस कुछ नहीं देखा और सब बोलने लगे कि आप बाहर आ जाओ, अदरवाइज घर को अगर आग लगी तो आप तो अंदर ही रह जाओगे, मर जाओगे। मैं सीधा उठाया अपना टाइगर और मैं बाहर भागी। जैसे ही भागी तो ये सारे मेरे रशीज, बहुत आग थी उस टाइम, भयानक आग थी, जिसको बोल सकते हैं ना, भयानक आग, मतलब जान जा सकती थी। इतनी मतलब आग थी उस टाइम कि जान जा सकती थी। क्या अचानक इतनी आग आ गई घर के चारों तरफ, मेरे को तो बचना ही था, है ना। तो जैसे मैं आग से निकलने लगी, मेरे बर्न्स यहाँ है, पूरी पाचू है, पैक है, बुरी तरीके से बर्न हुई है। मैंने मेडिकल भी कराया अपना। मैंने तो देखो 3:10 से फोन किया कंटिन्यूटी में, 4:30 तक तो वो आए नहीं कि आ रहे हैं जी मैडम, कहीं भेजी है, कभी बोले पानी नहीं है, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम थी। मतलब 4:45 के बाद वो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे। देखो आजकल वैसे ही इमरजेंसी है, चारों तरफ आग लग रही है, तो वो तो प्रिपेयर रहने चाहिए हर टाइम और उनको हेल्प करनी चाहिए आके। ये नहीं कि पानी नहीं है तो वो कोई समस्या नहीं है, मैन पावर भी तो है उनकी अपनी, उनको सिखाया जाता है कैसे कि आग को काबू किया जाए। कुछ तो कर सकते हैं ना वो हेल्प। सिर्फ जो ये लोकल लोग थे इकट्ठे हुए, उन्होंने थोड़ा पानी पुनी पाया और उससे हम सेफ हुए, अदरवाइज तो कुछ भी हो सकता था। वहीं गांव के अन्य लोगों ने कहा कि उनके घर में शादी थी और इसलिए खाना बनाने के लिए लकड़ियां काट कर रखी थी, वे भी जलकर राख हो गई और उनके पशुओं का चारा भी जल गया, साथ ही उनके बगीचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दमकल विभाग पर आरोप लगाया कि अगर वे समय पर आते तो इस आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था। इससे खतरा, सब चीज खतरा ही हो गया जी, सारी आग, घास जल गया, लकड़ी जल गई जी, शादी का सब खत्म हो गया जी, जो भी पशु के बुरे हाल हो गए जी। ना गाड़ी में पानी था जी, ना कुछ भी नहीं था। कौन सी गाड़ी? तो दमकल भी भाग आया था? हाँ जी आया था, पर उनके पास छोटी पाइपें थी जी, और फिर कुछ भी बचाओ, कोई भी नहीं आया जी, गांव के पंचायत के कोई नहीं आया जी। नहीं तो सबका अधिकार होता है, सबकी घास नहीं है यहाँ, कोई ऐसा तो है नहीं जी, एक ही परिवार रहता है। नुकसान तो हो गया जी, जो होना था सब चीज़ खत्म हो गया जी, पेड़ पौधे खमानी जो भी लगे हुए थे, आड़ू वगैरह वो सब नष्ट हो गए। क्या मांग करते, यही करते हैं जी, अब ना तो चरान है जी हमारे पास, ना कुछ भी नहीं, घास के लिए कुछ सुविधा नहीं है जी। यहाँ शादी का माहौल था जी, और आज से तैयारी है जी, और जितने हम पहुँचे उतने सब चीज़ राख हो गए। वहीं युवक विवेक शर्मा ने बताया कि दमकल विभाग बेहद देरी से पहुंचा और जब उसने देरी से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विभाग के
पास उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जंगल में आग लगी लेकिन पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब तक जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में नहीं ला जाती है तब तक जंगलों में इसी तरह आग लगती रहेगी। हाउसिंग बोर्ड बसाल के सराउंडिंग एरिया के जंगल में आग लगी और वो धीरे धीरे कॉलोनी की तरफ बढ़ गई। दुर्भाग्यपूर्ण 3 बजे से लेकर के हम 6 बजे तक फायर ब्रिगेड को कॉल करते रहे और 6:30 बजे फायर ब्रिगेड का वहाँ आई है। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि कारण देरी से आने का कारण, तो पता लगा कि उनके पास फायर ब्रिगेड उपलब्ध ही नहीं थी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। रात को एसडीएम साहब भी आए थे, अन्य ऑफिशियल अधिकारी भी आए, उन्होंने विजिट किया। जबकि वहाँ एक तरफ BSNL का टावर है और दूसरी तरफ उसमें ट्रांसफार्मर है, उसके बीच में घर है और वहाँ जो महिला रहती हैं, जो परिवार वहाँ रहता है, उनके घर के लोगों को इंजरी हुई है और लगभग 20-22% वो जली हैं वहाँ पे। उनकी बकायदा MLC हुई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और पुलिस FIR हुई है। लेकिन दुर्भाग्य वो भी अज्ञात लोगों के अगेंस्ट हुई है। पुलिस क्या छानबीन करती है इसकी तो हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, बट पूरा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अगर भारत के इनकम टैक्स पेयर्स का ये हाल है तो सामान्य आदमी का क्या हाल होगा।